हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गया कि अगर आपके आधार कार्ड में ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इस पे वीडियो आज का मैंने बना दिया है। कैसे कैसे क्या क्या करना है, जब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हो और यहाँ पे अपना सारा कुछ यहाँ पे लॉग इन करते हो, जब आप पहुँचते हो केवाईसी की स्टेप पर तो आपका ओटीपी नहीं आता। ये प्रॉब्लम सबको आ रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या क्या करना है, इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप जब यहाँ पे केवाईसी करोगे तो आपको दो केवाईसी का ऑप्शन मिलता है। 18 साल से ऊपर हो तो आप आधार से ही कर सकते हो, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको पेरेंट्स की यहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़रूरत को आप कैसे पूरा करेंगे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो फिर बनाने वाला हूँ दोबारा। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे फेम पे से रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है, फेम पे आप यूज़र हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, और मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप फेम पे अगर बनाते हो अपना अकाउंट अगर नया, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि 5,000 से लेकर आप 50 रुपये तक जीत सकते हो मेरे रेफरल कोड से। तो मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर आप सारे परमिशन अलाउ कर दोगे। यहाँ पे आपको जाने के बाद आधार में ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें दो स्टेप हो सकता है, या तो आधार में आपका नंबर नहीं जुड़ा है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा कि आधार कार्ड में नंबर कैसे ऐड करें, और ये मेरा वीडियो इसके ऊपर है कि ओटीपी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। यहाँ पे आप जब सब कुछ यहाँ पे कर देते हो, यूपीआई क्रिएट कर देते हो, पूरी अकाउंट यहाँ पे खुल जाती है, आप यहाँ पे पैसा विन कर लेते हो, जो भी आपको पैसा मिलता है वो आप यहाँ पे विन कर लेते हो। विन करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं ओपन रहता, आपको बहुत दुख होता है कि यार मेरा पैसा फंस गया। अब यहाँ पे ओटीपी जब आप डालते हो तो बताता है इनवैलिड या कोई और भी प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं। यहाँ पे स्पिन मिलता है, इसमें भी मैंने आपको बताया कि आप 50 करो में 5,000 से लेके 50 रुपये तक आप जीत सकते हो। यहाँ पे स्पिन में आपका जहाँ भी स्पिन रुक जाएगा उतने रुपये आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसमें 30 रुपये मिला। तो ये अब कोई आपका लक के ऊपर डिपेंड भी करता है, आपका अकाउंट यहाँ पे बन गया। अब ये 30 रुपये आपके अकाउंट में चला गया, आपका भाई यहाँ पे ओटीपी तो आ ही नहीं रहा, केवाईसी हो ही नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है? अगर पैन कार्ड वाला प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इस चैनल पे ही वीडियो नया बना दूंगा पैन कार्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए आधार का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप जब केवाईसी के लिए आते हो तो एक आपको बहुत बारीक ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है, इंटर योर आधार नंबर के नीचे जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल, उस सिंबल पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे जाके क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे आप जाके क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होता हुआ दिखाई देगा, उसमें कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर मैं डालता हूँ तो मेरा नंबर यहाँ पे तो इनवैलिड बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि आपका नंबर जैसे इनवैलिड बता रहा है उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनवैलिड बताया। अब वहाँ पे आपको देखिए बहुत ही छोटे यहाँ पे छोटे अक्षरों में एकदम लिखा हुआ है आई हैव आधार इशू, और यहाँ पे आसमानी कलर में लिखा हुआ है इंटर योर आधार नंबर के नीचे। आप उस पर क्लिक करोगे, तीन फेज़ आपको दिखाई देंगे, इसमें तीन फेज़ में आपका जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ से उठा लोगे, और नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हेयर वाले पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन लेके हेयर वाले पर क्लिक कर लेना है। हेयर वाले पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो चीज़ आपको यहाँ पर मायने रखता है, पहला तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, या अगर नंबर आ रहा है इनवैलिड बता रहा है ओटीपी तो क्यों बता रहा है, आप यहाँ पे नंबर कैसे चेंज करोगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसे भी जरूर जाके देखिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे इस टाइप के सामने इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना सिंपली डाल देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड एंटर कर देना है। जब आप ये सारा कुछ कर दोगे तो यहाँ पर देखिए तभी आपको प्रॉब्लम होता है जब आपका नंबर आपको कन्फर्म नहीं पता रहता है कौन सा है, और आपका ओटीपी बार बार गलत बताने लगता है। अगर आपका ओटीपी गलत बता भी रहा है और आपका नंबर भी सही है तो आपको एक ही यहाँ पे उपाय है, आप उसका नंबर चेंज करवा दीजिए, आधार में अपडेट करवा दीजिए। तो घर बैठे आप आधार में अपडेट कैसे करवाएंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो अगला बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख के यहाँ पे बना सकते हैं। तो चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड एकदम सही सही डालना है, आप अगर कैप्चर कोड गलत करते हो तो आपका यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जैसे आप कैप्चर कोड सही डालोगे तो यहाँ पे आपका नंबर का जो है वो तीन डिजिट नीचे शो होने लगेगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा इस चैनल में लगा हुआ है, सॉरी चैनल कर रहा हूँ आधार में लगा हुआ है। तो आप इसी तरीके से इसको जाके दोस्तों पता करोगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो फेम पे से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मेरा यहाँ पे जो वीडियो था ओटीपी वाला प्रॉब्लम, तो भाई यही दो चीज़ होता है आपका, या तो आधार में नंबर सही नहीं लगा है या तो आपका आधार का नंबर पता नहीं होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।